सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ बजाज के शोरूम पे। मेरे सामने खड़ी है बजाज की डोमिनार 400, एंड इधर साइड खड़ी है राइट हैंड पे मेरे बजाज की पल्सर 400Z। एंड आज मैं करने वाला हूँ इन दोनों गाड़ियों का एक कंपेरिजन। कंपेरिजन इस वे में रहेगा कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट्स की बाइक है एंड एक रहेगी आपकी टूरिंग सेगमेंट की बाइक। तो आपके लिए क्लियर हो जाएगी, आपको अगर बजाज की बाइक लेने आए हैं तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए 400 सेगमेंट के हिसाब से, गाड़ियों के में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन। मैं आपको वो मैं एक एक करके बताऊंगा, जितना भी पाएगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइस से, तो डोमिनार का जो कुछ प्राइस पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा 2,82,000, 2,83,000, एंड NS में आपको प्राइस पड़ जाएगा 2,30,000, 2,32,000। ये रहेगा NS का प्राइस और ये रहेगा डोमिनार का प्राइस। एंड अगर बात करें फिर इसमें पावर की, तो डोमिनार में आपको पावर मिल जाती है 39.42 BHP का, एंड NS में आपको पावर मिल जाती है 39.4 BHP का। तो पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है, डोमिनार टूरिंग बाइक तो उसमें हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, एंड ये देखा जाए प्रॉपर थोड़ी सी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें थोड़ा सा वो कम है। एंड टॉर्क की बात करें तो टॉर्क डोमिनार में पड़ जाएगा आपको 35 Nm का, एंड NS में भी आपको पड़ जाएगा 35 Nm का। तो टॉर्क तो सेम ही, टॉर्क में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है बाकी। एंड अदर अगर से बात करूँ सीट हाइट की, तो डोमिनार की सीट हाइट आपको पड़ती है 800 mm की, एंड NS में आपकी सीट हाइट है वो पड़ जाती है 807 mm की। तो वो हल्की या डोमिनार हल्की सी थोड़ी सी सीट थोड़ी लो है एंड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर बात करें अगर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डोमिनार में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहेगी आपकी 157 की, एंड NS में आप देखेंगे तो NS की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहेगी 168। वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की सेम ही सेम, बट कॉल की वजह से आपको सेम लग रहा होगा, जैसे लाइक इसमें भी आपको नीचे गार्ड मिल गया है एंड इसमें भी नीचे गार्ड है, तो इस वजह से लगेगा थोड़ा सेम है, बट ऐसा है नहीं। NS में आपको मिल जाएगी ग्राउंड क्लियरेंस 168, एंड डोमिनार में मिल जाएगी 157 की। बाकी वेट की अगर बात करूँ, तो वेट डोमिनार का बहुत ज़्यादा है, डोमिनार का जो वेट है वो आपको बढ़ जाएगा 195 समथिंग विद एसेसरीज, एंड NS में आपको पड़ जाएगा 174 विद एस सीरीज, या विद एस सीरीज आप 175 मान लीजिए। तो ये रहेगा लाइक वेट का कंपेरिजन। बाकी गाड़ियों में अगर मैं अगर फ्रंट से देखूँ सबसे पहले, तो फ्रंट में देखेंगे डोमिनार आपको एक तरह से पूरी टूरिंग बाइक है। इसमें आपको एक पूरी कंप्लीट सेटअप के साथ बाइक मिल रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करनी की, आपको बस सीधे शोरूम से बाइक परचेज करनी है एंड आप टूरिंग के लिए आराम से निकल सकते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा अच्छा खासा बड़ा सा वाइजर, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है वहाँ पे, हल्का सा स्मोकी भी है। साइड में मिल जाएंगे आपके नकल गार्ड दोनों तरफ अच्छे से, एंड इधर देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, वाइजर वाइजर कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन सिंपल हेड है। एक्स्ट्रा आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, नकल गार्ड्स भी इसमें कुछ नहीं है। और फिर हेडलाइट सेटअप की अगर बात करूँ, इसमें आपको हो जाते हैं LED हेडलाइट्स, मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से LED हेडलाइट्स हो जाते हैं। एंड NS की बात करूँ तो NS में आपको मिल जाते हैं DRL लाइट, एंड इसमें आपको मिल जाता है सेंटर में प्रोजेक्टर, वो भी मैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। एंड इसमें आपको लो बीम हाई बीम पे वो भी आपके LED रहेंगे। इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर इसमें मिल जाएंगे आपको लाइक LED टाइप के, एंड बजाज में भी आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर, वही सॉरी ये रहे कुछ इस तरह के LED इंडिकेटर। इंडिकेटर एज इट इज़ दोनों में सेम ही है, इंडिकेटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इंडिकेटर तो आपके वही रहेंगे। तो डिफरेंस यही है कि इसमें आपको लाइक DRLs आगे मिल जाएंगी एंड प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगा, इसमें सिर्फ आपको LED सेटअप में हेडलाइट मिलेगी। पीछे अगर आप चलेंगे अगर गाड़ी के, तो बैक साइड में भी, तो बैक में आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। तो बैक में भी टेल लाइट आप देखेंगे डोमिनार की कुछ तरह से है, आपकी LED टेल लाइट है, LED टर्न सिग्नल इंडिकेटर है। एंड आपको मैं अगर NS का दिखाता हूँ, तो आप NS में देखेंगे तो NS में तो वही सिग्नेचर लाइट आ रही जो पहले से NS में आ रही थी। तो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कहूँ डोमिनार एंड NS, तो ज़्यादा स्पोर्टी आपके वो मुझे तो डोमिनार के लग रहे हैं, NS के इतने स्पोर्टी नहीं लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। तो डोमिनार के टेल लाइट्स पीछे ज़्यादा एज़ कम्पेयर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। उसको ऑफ करते हैं एंड फिर इधर आएंगे, इसमें आपको मिल जाते हैं USD सस्पेंशन, देख सकते हैं अप साइड डाउन, एंड इसमें भी आपको मिल जाते हैं सेम एज इट इज़ USD सस्पेंशन। टायर सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहे टायर साइज 110, 17 एंड 17 इंच के अलॉय मिल जाएंगे फ्रंट में NS में,
एंड डोमिनार में अगर आप चलेंगे तो इसके अलॉय व्हील्स का पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें आपको डायमंड कट अलॉय मिल जाएंगे। इसके थोड़े से सिंपल पुराने वही एन एस वाले ही पैटर्न चले आ रहे, वही कंटिन्यू है। इसमें आपको एकदम से डिफरेंट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। टायर साइज की बात करूँ, टायर साइज आपको सेम मिल जाएंगे, ये 110/70 से R17। तो टायर साइज एज इट इज सेम है। फ्रंट का गार्ड ये प्लास्टिक है, डुअल फिनिश एंड इसमें सिंगल ही है। एंड यहाँ पे साइड में हल्का सा क्रोम फिनिश दिया है, बाकी पूरा मैट ब्लैक है। आप पीछे चलते हैं, रियर टायर साइज एंड रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं वही 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन एंड आपके मोनोशॉक एब्जॉर्वर सस्पेंशन रियर में मिल जाते हैं एनएस में भी। टायर साइज़ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप डोमिनार में देखेंगे, अलॉय तो सेम है। टायर साइज़ की अगर बात कर लेता हूँ तो मैं आपको टायर साइज़ एक बार दिखा देता हूँ। तो डोमिनार में जो टायर साइज़ है वो रहेगा 150/60 R17। तो टायर साइज़ इसका मुझे लग रहा है इस कम्पेयर टू एनएस ज़्यादा बड़ा है। एंड अगर आप एनएस में देखेंगे तो एनएस का जो रियर टायर साइज़ है तो वो रहेगा 140/17 R17। तो एनएस का जो रियर टायर है वो एज़ कम्पेयर टू डोमिनार छोटा है। एंड बजाज की दोनों ही गाड़ियों में लाइक डोमिनार और एनएस 400 में दोनों में आपको डुअल डिस्क एंड डुअल एबीएस मिल जाएगा। और टायर में दोनों में आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे एंड दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाएंगे। कलर आप देखेंगे इसमें आपको एनएस में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं एंड डोमिनार में आपको 2 ही कलर ऑप्शन मिलेंगे। टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डोमिनार में तो आपको मिल जाएगी 30 लीटर की टैंक कैपेसिटी एंड एनएस में आई थिंक 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलेगी। मिरर देखेंगे, मिरर दोनों के डिफरेंट है, मिरर का लुक्स पर दोनों का ही सेम है। लाइक मतलब देखने में दोनों के मिरर्स की जो क्वालिटी और जो डिज़ाइन है वो अच्छे लग रहे हैं देखने में, फिनिश फिट एंड फिनिश। एक चीज़ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा कि इसमें आपको मिलता है राइड बाय वायर वाला सिस्टम एनएस में। एनएस में राइड बाय वायर वाला सिस्टम है थ्रोटल में, इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको वही वायर वाला है जैसा कि आप नीचे से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वही थ्रोटल बॉडी मिलेगी। बाकी इसके अगर आप ब्रेक एंड क्लच भी देखेंगे तो ये एडजस्टेबल नहीं है, सिंपल है एंड इस तरह के भी इधर भी ऐसा है, पर एनएस में आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। जैसे यहाँ से आप इसको रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, आपके ब्रेक्स एंड क्लच दोनों के दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी एडवांस हो जाती है इस मामले में। बाकी अब चलते हैं इधर साइड, अगर तो मीटर कंसोल की अगर बात करें तो मीटर कंसोल यार डोमिनार का वही पुराना है, कुछ खास अपग्रेड अभी नहीं किया है यार इसमें, सेम एज इट इज़ है। ये चीज़ भाई सिग्नेचर अच्छा लगता है बजाज में, जो लाइटिंग वाइटिंग चलती है, यहाँ पे गियर पोजीशन दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, किलोमीटर कितनी चली वो दिखा रहा है आपको, इसमें ABS मिल जाएगा, गियर पोजीशन दिखा देगा, इंजन चेक लाइट दिखा देगा एंड यहाँ पर आपका वार्निंग हैज़र्ड दिखा देगा, वही पुराना सेम है। इसमें आपको कॉल SMS अलर्ट भी नहीं मिलता है, यहाँ पर बस आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। तो ये रहा इसका कुछ मीटर कंसोल एज इट इज़, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ, कोई राइडिंग मोड नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड अब मैं चलता हूँ NS400Z की तरफ, तो इसका मीटर कंसोल आप देखेंगे ऑन करने पे कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको लाइक फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, उसमें आपको मैं कहूँगा उसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है डोमिनार में भी, बट इसमें ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें आपको लाइक अलग अलग मोड्स हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोड मोड मिल जाए, रोड मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है एंड अलग अलग मोड मिल जाएंगे, लाइक रेन मोड है, स्पोर्ट्स मोड है एंड ऑफ रोड, इतने तरह के आपको मोड्स मिल जाते हैं इसमें गाड़ी को चलाने के लिए। बाकी सेम है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि डोमिनार में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इससे एडवांस है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जाता है एंड दोनों ही गाड़ियाँ 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती हैं, ठीक है। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाएगा एंड डोमिनार में भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिल जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरह से यहाँ मिल जाता है। तो ये रहा लाइक गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। दोनों ही गाड़ी में 20% एथेनॉल वाला है, क्योंकि अब मोस्टली गाड़ी में आ गया है। सीट पर कराएंगे तो सीट आप देखेंगे दोनों ही गाड़ियों में मिलती है आपको स्प्लिट सीट, NS में भी एंड डोमिनार में भी स्प्लिट सीट मिलती है। सीट देखेंगे जैसे कि इसकी जो सीट है थोड़ी सी अगर आप ऊपर से देख रहे होंगे तो थोड़ी सी लाइक स्लिम है, पतली है। एंड अगर आप डोमिनार की तरफ कराएंगे तो डोमिनार की सीट आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, खासकर एज इट इज़। पिलियन की सीट की बात करूँ तो पिलियन की सीट भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी एंड बड़ी है, तो ये आई थिंक लॉन्ग टूर पे आपको इसीलिए कंफर्टेबल रहेगी, तभी ये टूरिंग के लिए बेस्ट रहती है। अगर आप सिटी के लिए आप इसको लेके ट्रैवल करेंगे तो आपको इसी बेस्ट है, एनएस सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर डोमिनार आपको हाईवे के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। डोमिनार में आपको पीछे ग्रैबरेल भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉप रैक के लिए पहले ही से कंपनी दे रही है, पीछे आपको बैकरेस्ट मिल जाता है यहाँ पर। एनएस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाली ग्रैबरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर NS400Z की बैजिंग है एंड यहाँ पर आपको 3D में पल्सर की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको NS लिखा मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 400 की बैचिंग है। यहाँ पर कुछ
कार्बन फाइबर टच दिया गया है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, लाइक दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, वो तो बढ़िया ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट का दिख रहा है, एंड सेम एज इट इज सेम पोजिशन ही आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ कूलेंट वाला दिख रहा है, तो दोनों गाड़ियाँ लिक्विड कूल सिस्टम के साथ आती हैं। 6 फीट गेयर बॉक्स हो गया था इसमें। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है दोनों ही गाड़ियों का। इसमें आपको मिल जाता है साइड में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट, इसमें आपको मिल जाता है एनएस में अंडर बेली एग्जॉस्ट। टायर्स पे आप देख सकते हैं स्टिकरिंग की गई है, इसमें टायर पे ऐसे कोई स्टिकरिंग नहीं की है, टायर में जो उसका अलॉय कट है ना वही बहुत ही सही लगता है देखने में। बाकी आप इधर आएंगे चेसिस की अगर बात करूँ तो दोनों की बॉडी चेसिस मैं कहूँगा आई थिंक चेंज है। इसकी जो बॉडी चेसिस है थोड़ी उससे ज़्यादा एडवांस, मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है डोमिनार की। एंड इसकी आप देखेंगे थोड़ी सी उतनी ये खास अच्छी नहीं लग रही जैसे एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। एक चीज़ प्रॉब्लम थी, कई लोगों ने मेरे वीडियो पे पुराने कमेंट किया था कि बजाज की जो NS4 लेट है गाड़ी तो अच्छी बना दी, बट पीछे यार इनको टायर हगर देना चाहिए था थोड़ा सा, थोड़ा पीछे गार्ड टाइप का। जैसे इसमें पीछे टायर हगर दिया है बट ये टेल टाइडी कर दी ना, तो टेल टाइडी की जगह थोड़ा सा पीछे अगर मेड गार्ड दे देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता बट से बचाने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे आपको डोमिनार मिला है, डोमिनार में आपको कोई टायर हगर तो नहीं मिला है, पर पीछे का इसका मड गार्ड इतना बड़ा है ना कि आपको अच्छा खासा ये मड से बचाएगी। एंड इसका आप ये भी देखेंगे ऊपर जो टायर के ऊपर रहता है ये भी काफ़ी बड़ा है। एंड NS में आप देखेंगे तो NS में वो भी एकदम छोटा सा है, मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी कर दी गई जिस वजह से कुछ निगेटिव पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं NS 400 में। बाकी पावर वॉइस तो बेस्ट है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो डोमिनार आपकी टॉप स्पीड में आप उसको 155 तक क्रूज़ कर सकते हैं। NS की टॉप स्पीड की बात करूँ तो ये आप 160 प्लस आप उसको लेके क्रूज़ कर सकते हैं। इंजन देख सकते हैं आप, इंजन एज इट इज़ सेम है, लाइक यहाँ पे गोल्डन टाइप का कुछ इस तरह का है। एंड इधर भी आप देखें इधर कुछ ऐसा है, इंजन में सेम है, पूरे इंजन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक बार गाड़ी पूरी दिखा भी देता हूँ, एंड अगर कोई डिटेल मैंने अगर छूट भी होगी ना तो वही आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल की पोजिशनिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से है यहाँ पे आपका, एंड इधर साइड मिल जाएगा NS का आपका पोजिशन वाला ऑन वाला। बाकी आप इधर देखेंगे पूरी गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई भी चीज़ अगर छूट रही होगी ना भाई आप मेरे से कमेंट कर लेना मैं बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। लाइक यहाँ पे आपको टैंक गार्ड मिल जाता है, एंड इधर भी आपको टैंक गार्ड मिल जाता है कुछ इस तरह से। बाकी एक बार गाड़ी ऑन करके आपको एग्जॉस्ट नोट तो सुनाई देता हूँ सबसे पहले, तो कुछ इस तरह से ये गाड़ी ऑन करते हैं। एंड अब आपको चेक करते हैं, पहले तो न्यूट्रल कर लेते हैं गाड़ी को। नहीं, न्यूट्रल ही कर रहा अब ठीक है। तो देख सकते हैं ये एग्जॉस्ट मोड है NS की, ठीक है। नॉर्मली आप देख सकते हैं गाड़ी की पावर अच्छी खासी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सलेट निकलूँगा, क्योंकि जो हाई गाड़ियाँ होती है ना पावर तो उनको आप एक्सलेट करेंगे ना नॉर्मल गियर पे भी नहीं होगी ना तो भी गाड़ी हल्की सी मूव करती है। अब मैं आपको सुना देता हूँ डोमिनार की एग्जॉस्ट मोड कैसी है। तो सबसे पहले गियर पोजीशन आप चेक कर लीजिए, न्यूट्रल पे होना चाहिए, एंड देन आप अगर गाड़ी ऑन करते हैं तो इसका बेस मैं कहूँगा उससे ज़्यादा है, लाइक NS 400 से ज़्यादा अच्छा एग्जॉस्ट मोड मुझे डोमिनार का लग रहा है। गाड़ी में थोड़ी सी वाइब्रेशन है ये पता चल रहा है, बट लाइक वाइब्रेशन की अगर बात करूँ तो यार वाइब्रेशन है इसमें, लाइक डोमिनार आपकी जो है ना 400 इसमें आपको वाइब्रेशन आ रही काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने देखा आपने देखा होगा मैंने हाथ रखा तो गाड़ी कितना ज़्यादा था कैमरा शेक करने लगा था, इसमें ऐसा नहीं था, ये गई थोड़ी स्मूथ आवाज़ दे रही थी एंड सेक नहीं थी। बट एग्जॉस्ट मोड अगर आपको अच्छा लगेगा तो डोमिनार का लगेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं D400 की बैचिंग हो रखी है, वहाँ पर NS 400Z की बैचिंग हो रखी है, 3D में इधर डोमिनार लिखा हुआ है, यहाँ पर 3D में पल्सर लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये रही गाड़ी, एंड आप मीटर कंसोल कुछ इस तरह का है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से, एंड फिर इधर इसकी क्वालिटी देखेंगे। इसमें आपको हैजार्ड स्विच मिल जाता है, इसमें हैजार्ड स्विच का ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको आफ्टर मार्केट हैजार्ड स्विच लगवाना पड़ेगा, इसमें आपको इनबिल्ट मिल जा रहा है। एंड मोड्स की जैसे बात करूँ तो इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, चार इसमें मोड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही बट क्या करूँ मैं एक एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मिसिंग ना हो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। और तो ऐसा मुझे लगता है कुछ नहीं छूट रहा होगा। SMS कॉर्ड अलर्ट वाला सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं मिल जाएगा, तो लाइक फीचर फंक्शंस में ये थोड़ी सी उससे कम है, तो ये ज़्यादा फीचर फंक्शंस में ज़्यादा एडवांस रहेगी।
बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी गाड़ी ज़्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको टूरिंग करनी है तो आप सिंपल सी बात है आप डोमिनार की तरफ जाइए, और अगर आपको टूरिंग प्लस सिटी राइड भी करनी तो आप एनएस को जा सकते हैं, पर ये ज़्यादा सही रहेगी टूरिंग के लिए, मैं टूरिंग पर्पज से बता रहा हूँ। तो ये रही कुछ गाड़ियाँ, अगर कोई डिटेल भी आप छूट रही हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।